दोस्तों गौर कर लेते हैं इस चुनावी जंग में जो बीटीसी प्रत्याशी श्रीमान पंचम यादव जी जो रणपुरा के रहने वाले हैं वार्ड नंबर 2 से आए हैं इस जंग में बीटीसी प्रत्याशी पद हेतु, तो गौर कर लेते हैं इनके बारे में। वार्ड नंबर 2 की जनता कहती है, आपस में बातें करती हैं, सजना इतनी देखनी भाई दे पंचम भैया की जीत कराई दे, सैया इतनी देखनी भाई दे पंचम भैया की जीत कराई दे। तुम्हें नहीं मालूम है सजना, जो बीटीसी प्रत्याशी पंचम भैया जी जो आए हैं इस जंग में, बड़े ही भोले भाले प्रत्याशी हैं। क्या बोली, पंचम भैया सबके प्यारे हैं, पंचम भैया सबके प्यारे हैं, खुवारे हैं सैया जनिता के बने रखवारे हैं, सजना सबको अब समझाई दे पंचम भैया की जीत कराई दे। कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे युवा प्रत्याशी पंचम यादव जी जो रणपुरा के रहने वाले हैं, बड़े ही भोले भाले प्रत्याशी हैं। क्या बोली है पत्नी अपने पति से, सब जनता को सम्मान मिले, जब पंचम भैया जी जीत जाएंगे उसके बाद सब जनता को सम्मान मिले, पंचम भैया की सरकार बने, पिया सबको संग लगाई ले भैया की जीत कराई दे। साजनी इतनी टेकनी भाई दे पंचम भैया की विजयी कराई दे, और
शब्दों की जनता को समझाने के लिए जा रहे हैं कि अब की बार बीटीसी प्रत्याशी आप लोगों को चुनना है तो हमारे पंचम भैया जी को ही चुने, अपना अमूल्य वोट दे करके भैया जी को विजयी बनाएं।